नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गंगाराम पांचाल। गंगाराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बंदोड़ा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 2016 में। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएँ करते थे? सर, मैं राजेंद्र सिंह महाराज से जुड़ा हुआ था और 3 साल में मैं मतलब वहाँ पे रहा। रूपनगर जाते थे, सत्संग में जाते थे, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा वहाँ से ऐसी शिक्षा नहीं मिली जिससे कि मैं कोई परमात्मा के रास्ते पर लग सकूं। मेरे को 3 साल में कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद में मैंने वहाँ से जाना छोड़ दिया। मेरा गांव पूरा पंडितों का है, तो उन्होंने हर इतवार के दिन सब वो मतलब वो करते हैं, मतलब पूछा उछा देते हैं, और बाहर के लोग आते हैं उनसे पूछा करते हैं। उन्होंने मेरे को भटका दिया, कहा लगा तुम ऐसा करो तुम्हारे घर में धन दौलत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैं भटकता फिरता रहा। मुझे सच्ची भक्ति की इच्छा थी, वो नहीं मिल रही थी मेरे को, और मैं इतना परेशान था बहुत ज़्यादा। एक पंडित के पास मैं गया तो दूसरा खींच लिया था मेरे को, दूसरा का गया तीसरा खींच लिया था, उसके पास कुछ नहीं, उसके पास। मेरा गाँव पूरा पंडितों का है, मैं उनके माया जाल में ऐसा फंस रहा था तो निकल नहीं पा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि हे परमात्मा, आप कौन हो, कौन आप हो जिससे कि हम मानव जीवन में रहकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। मैं ऐसा भटक रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या भक्ति है, क्या सच्चाई है, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और मैं ऐसे ही भटकता भटकता मतलब अंतर आत्माओं से मैं घर पर भी सोचता था, हे परमात्मा, क्या हमारा जीवन यही है? मरना, खाना, जीना, ये वो, यही है सच्ची भक्ति मानव जीवन में कर सकें, वो नहीं मिल रही थी। सर, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर, मैं बहुत शराब पीता था, तो शराब पी के मैं अपने भांजे के पास आता था दिल्ली में गांव से। तो एक दिन मैं शराब पी के आया, शराब पीने के बाद में उसने मेरे को दे लिया। वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य थे, तो वो खाना वाना खा के मेरे को दूसरी मंजिल पर ऊपर ले कर चले गए एकांत में। मेरे भांजे ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से एक बार तुम नाम दीक्षा ले कर देखो, तुम्हारी दारू भी छूट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा उस पर कोई विश्वास नहीं करा। 2-3 घंटे मेरे को समझाया, भाई तुम एक बार चलो कर तो देखो, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो तुम भक्ति छोड़ दियो। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेकर गया, और जैसे ही मैं मतलब जहाँ पे नामदान होता था, जैसे ही मैं बढ़ा, मेरी आंखों से अपने आप ही गरम गरम आंसू निकलने शुरू हो गए। अब मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है। मैं सोचा सच्ची भक्ति आएगी। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद अगले दिन मेरे को कोई शराब का कुछ न तो मेरा मन करा ना कुछ हुआ, बिल्कुल शराब छूट गई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ तो सबसे पहला तो यही है कि मुझे सच्ची भक्ति का ज्ञान मिल गया, क्योंकि सच्ची भक्ति है क्या और इस मानव जीवन में क्या सच्चाई है और क्या गलत है, वो सबसे बड़ा लाभ तो ये है। उसके बाद में मेरे को लाभ तो ये हुआ, मेरे 19 साल से मेरे साथ में कोई पारिवारिक मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा 19 साल से चल रहा था सर, और मैं उससे बहुत परेशान था। पैसा लगा, बहुत पैसा लगा, मजदूर हूँ मैं, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, रोज कमाता था, तारीख पर जाता था, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं थी, वहाँ सब ऐसे ही था, तारीख दे देते थे। उसके बाद में मैंने अपने भांजों को कहा, मगर भाई हमने रामदान भी ले लिया, हमें कुछ लाभ तो होना चाहिए। वो बोला, कह लगा भाई तुम भक्ति करो, भक्ति में ध्यान दो और कुछ ना करो। मैं भक्ति करता रहा। 27/7/2018 में मेरे को सतनाम मिला। उसके बाद में मेरी तारीख पड़ी 30/7/2018। जैसे ही मैं वहाँ गया कोर्ट में अपनी तारीख मुकदमे में, तो परमात्मा ने ऐसा माहौल बनाया, उस दिन ही मेरा केस फाइनल हो गया। संत रामपाल जी महाराज से सतनाम लेने के बाद में 3 दिन के अंदर ही 19 साल पुराना मुकदमा वो फाइनल हो गया। जितना कमाता था, मैं शराब पीता था, घर में बहुत लड़ाई होती थी, बच्चे परेशान थे, मैं भी परेशान था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी न तो अब शराब पीता हूँ मैं, ना कुछ होता अपना, अब घर में मौज है, कोई ऐसी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में आर्थिक समस्या बिल्कुल ठीक होगी जी। उससे पहले बहुत परेशानी थी, घर में जितना कमाता था सब शराब के इधर उधर चला जाता था। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने डॉक्टर से भी संपर्क करा, भाई किसी तरह मेरी शराब छूट जा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सब अपने पैसे वैसे उतार कर पुड़िया दे देते थे, ये ले लो तुम्हारा शराब छूट जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में शराब ऐसे छूट गई जैसे कोई चमत्कार हो गया हो,
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे, आप बहुत सालों से शराब पीते थे, वो नहीं छोड़ पा रहे थे, ऐसा क्या आपको मिला संत रामपाल जी महाराज ने दिया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी शराब छूट गई? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, शास्त्रों में जो बताई बात है वो बताते हैं, न कि मनगणत। तो उस भक्ति को करते हुए परमात्मा ने आत्मा को बहुत मिलन करवाया है, तो उस हिसाब से ही मतलब देखो मानता हूँ उन्होंने इस हिसाब के ये छुड़वाई शराब। सर, आज की युवा पीढ़ी भी नशे से ग्रस्त है, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी नशा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें नशा छोड़ने के लिए क्या करना होगा? मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस भाई पर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है इस संसार में रहकर सबको परेशानी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति पर एक बार चल कर तो देखो, तुम्हारे कल्याण हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हिसाब तुम्हारे सब काम बढ़ जाएंगे, नशा भी छूट जाएगा और तुम्हारे जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी ठीक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर मतलब सत्संग आते हैं अलग अलग टाइम में, उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए थे, उन पर कॉन्टैक्ट करके हम संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई।